Hello everyone, welcome you all in the new topic of Act and Rule, and that is CMVR 1989. तो आज हम CMVR को स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों का मैसेज है आप में से कि CMVR और GMVR कब स्टार्ट होगा, कब ये खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स आएंगे. तो मैं ट्राई करूंगा कि आपका एक चैप्टर एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, मतलब एक चैप्टर के लिए एक वीडियो आए. अगर कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है, वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा है, तो ही उसके लिए दो वीडियो आएंगे. अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको कट डाउन करके हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में आपका कवर हो जाए. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उम्मीद नहीं ट्राई करूंगा कि आपका जो लेक्चर है बिफोर द एग्जाम खत्म हो जाए, एग्जाम से कुछ दिन पहले खत्म हो जाए. कुल 10 टू 12 वीडियो, मैक्स टू मैक्स 10 टू 12 वीडियो आएगी जिसमें आपका CMVR और GMVR दोनों खत्म हो जाएगा. तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको. CMVR में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, चैप्टर 1 को प्रिलिमिनरी. इसमें क्या क्या सेक्शन आता है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ सेक्शन, आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर वर्ड नहीं है सेक्शन इसके लिए. हम आगे से इसको यूज करेंगे रूल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं. तो रूल नंबर डिस्कस करेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 5, इस टाइप से, क्योंकि सेक्शन इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे तो डिफाइन किया गया रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे. उसका नामनक्लेचर होता है जो फर्स्ट सेक्शन या फर्स्ट रूल है उसमें. जो हमारा सेकेंड है इसमें डिफिनीशन दी गई रहती है एज यूजुअल, जैसे कि हम प्रीवियस के जो भी एक्ट पढ़े हैं तो सब में क्या होता है, डिफिनीशन दिया गया रहता है कि जो वर्ड वो यूज करते हैं उनका मीनिंग एग्जैक्टली है क्या, ताकि आप अपने मर्जी से उनका कुछ मीनिंग ना निकालो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ना पड़े. तो वहां पे कुछ वर्ड जो यूज किए गए होते हैं उनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है. आप कह सकते हो वो टेक्निकल वर्ड्स जो बेसिकली हमारे रूल्स में यूज किए जाएंगे उनकी मीनिंग प्रॉपरली डिफाइंड होती है. तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है. एज यूजुअल लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हमारे इसी टॉपिक पे बेस्ड, तो आप उनको भी ट्राई करना सॉल्व करने के. इजी क्वेश्चन होंगे, कर लोगे आप. हाँ, एक दो क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस डाटा को भी यूज किया हुआ है कि आपने एक्ट आपको याद है या भूल गए, तो जहां पे प्रॉब्लम है मैंने वो सब यूज किया हुआ है, तो शायद एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा. आपको सर्च करना है @ मनु एकेडमी. आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें. और सबसे पहले यूनो की शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इनका नामनक्लेचर है कि हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं उस रूल को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989. इसमें सब सेक्शन भी दिए गए हैं 2 और 3. देखो एग्जैक्टली हुआ क्या, जितने भी यहाँ पे रूल्स आप पढ़ोगे सारे रूल्स एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं किए गए. कुछ रूल को हम क्या करते हैं, जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू इंट्रोड्यूस किए हैं. वैसे हम एक्ट में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं. तो जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर के साथ इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनकी डेट डिफरेंट है, बट आपको इनके डेट से बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं. आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वाला रूल कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये वाला रूल कब इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर कौन सा वो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर है उसका ऑर्डर नंबर बताओ, इस टाइप की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी. अगर कुछ मुझे लगता है कि ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर आपको याद रखना है, डेट याद रखना है, तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको बता दूंगा, तो आप उसका याद रख लेना. बट नेवरदलेस आपको सारे याद नहीं रखने हैं. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डिफिनिशन. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजें जिनको डिफाइन किया गया है, तो आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए. डेफिनेशन आपको भूलना नहीं है, ना ही एक्ट की ना ही रेगुलेशन की. आप डेफिनेशन ही नहीं पता रहेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे. तो एक्ट, जब ये एक्ट की बात करेंगे इसका मतलब ये रूल की बात नहीं कर रहे हैं, ये मोटर व्हीकल. अगर कहीं पे इस टॉपिक में एक्ट मेंशन है, दैट्स मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को बात कर रहे हैं. सेकेंड जो डिफिनेशन है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर. तो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. एज यू नो आपने देखा भी होगा हम जनरल लैंग्वेज में किसको ट्रैक्टर कहते हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है कि ये मैकेनिकली प्रोपेल्ड होता है, फोर व्हील होती है आप इसके पास, और ये ऐसा डिजाइंड होता है ताकि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए काम कर पाए बेसिकली, और इसको हम नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कंसिडर करते हैं. आपको पता है आपने एक्ट में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसे कहेंगे, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसे कहेंगे. ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो व्हीकल होती हैं जिनको हम बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो गुड्स कैरेज के लिए यूज करें, चाहे पैसेंजर कैरेज के लिए यूज करें, बट वो पब्लिक सर्विस के लिए यूज की जाती हैं. नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो गुड्स या पब्लिक सर्विस के लिए या पैसेंजर व्हीकल की तरह यूज नहीं की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल. अब डेफिनेशन डिटेल में आपको मैंने जब डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट का पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो देखने चाहिए. इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ये सारे डेफिनेशंस जो हैं वो याद होने चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे.
एग्रीकल्चर ट्रेलर किसे कहते हैं, मतलब ट्रेलर तो आपको पता ही है, ट्रेलर दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, सेमी ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर होते हैं। तो अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। ट्रेलर बेसिकली वो होते हैं जो हमारे इंजन में अटैच किए जाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे ऐसे सीरीज हैं जिसे किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये सेमी ट्रेलर और ट्रेलर क्या होते हैं, सेमी ट्रेलर वो ट्रेलर होते हैं जो ट्रेलर अपना पूरा वेट वियर नहीं कर सकते, अगर उनको उनका अटैचमेंट इंजन से हटा दिया जाए तो वो गिर जाएंगे। जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली होगी, अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ ट्रैक्टर की ट्रॉली बनी हुई है, तो यहाँ पे एक व्हील इधर की लगी, एक व्हील इधर की, इस तरह से कुछ ट्रॉली है मान लीजिए आप, और आप इसको इंजन से हटा देते हो तो यहाँ पे आपको अलग से सपोर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप ये सपोर्ट नहीं लगाओ तो ये गिर जाएगा, मतलब ये अपना पूरा वेट ये ट्रॉली वियर नहीं करती है, तो इसे हम कहते हैं सेमी ट्रेलर। कुछ ट्रेलर ऐसे होते हैं जो मतलब सेमी ट्रेलर नहीं होते, जो अपना पूरा वेट बियर कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेलर। तो यहाँ पे भी एक एक्सल लगा दो, यहाँ पे भी एक एक्सल लगा दो, तो अपना पूरा वेट बियर कर पाएगा, ये ट्रक्स में भी आते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया है एग्रीकल्चर ट्रेलर का। तो एग्रीकल्चर ट्रेलर वो ट्रेलर होते हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सिंगल एक्सल हो चाहे वो डबल एक्सल हो, मतलब उनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उनको हम ट्रैक्टर में कपल्ड करके एग्रीकल्चर काम को परफॉर्म कर पाएं, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का चीज हो, चाहे तो कुछ भी एग्रीकल्चर चीजें जो परफॉर्म करनी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है उसके लिए हम उसको यूज करें। नेक्स्ट जो है आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल का मतलब ऐसी व्हीकल जिनमें कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें इक्विप्ड की गई हैं, ऐसी व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन में यूज की गई हो बेसिकली, चाहे वो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप क्रेन ले लो, चाहे तो फिर वो ट्रक्स ले लो जो लोडिंग अनलोडिंग के काम आते हैं, जिनमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगाया गया है जो कंस्ट्रक्शन बेसिकली परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके बारे में कंस्ट्रेन भी दिया गया है कि इनकी जो स्पीड होती है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50 किमी पर आवर से, और इनको भी हम नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कंसीडर करेंगे। ये वर्क कब परफॉर्म करेंगे, मतलब ऑफ हाईवे, जब हमारा हाईवे ऑपरेशन में नहीं होगा उस टाइम हम इनको यूज में लाएंगे। तो अब इनका आप ऐसा यूज नहीं कर सकते कि किसी भी ऐसे व्हीकल को जो कंस्ट्रक्शन में यूज रहा हो उस पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना शुरू कर दिए, उसे पैसेंजर बैठा के आप लेके घूमने लगे, तो ये बेसिकली उसके लिए डिजाइन नहीं होता है। उसके लिए क्यों डिजाइन नहीं होता है, देखो थोड़ा सी चीज आपको यहाँ पे समझनी है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं, जो गुड्स कैरिज व्हीकल होते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है, दोनों के कंस्ट्रक्शन के रूल्स रेगुलेशन आगे आप पढ़ोगे भी। देखो जो पब्लिक पैसेंजर को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनमें सेफ्टी फीचर अलग होने चाहिए, उनकी डिजाइन के पैरामीटर अलग होने चाहिए, जो आपके इस तरीके से गुड्स कैरेज करने वाले हैं उनके डिजाइन पैरामीटर थोड़े लीनियंट होते हैं, वहां पे पब्लिक सेफ्टी का उतना मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। तो जैसे ट्रक्स हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इससे पहले हम एक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने बताया था आपको कि ट्रक है, ट्रैक्टर की ट्रॉली है, लोग उसमें बैठ के घूमते हैं, बट वो एक तरह से इलीगल है, लीगली आप उसमें बैठ के नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे पब्लिक सेफ्टी से या फिर लिविंग जो है उनके सेफ्टी के लिए कोई मेजर्स नहीं है कि एक्सीडेंट के कंडीशन में आपकी जान को बचाई जाए, मगर ये कार डिजाइन की जाती है तो उसमें जो ह्यूमन सेफ्टी है उसको कंसीडर करके उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इस सच यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मेजर हैं, और बेसिकली इनको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। तो बेसिकली वैसे व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनमें जो एसेसरीज लगती हैं वो कंस्ट्रक्शन पर्पज या कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन है, इसको आप शायद ध्यान रख लेना, ये जो स्पीड लिमिट दिया गया है इसको आप याद रखोगे तो दैट इज गुड। और ये भी आपको याद रखना है कि इनको भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट जो आपका है फाइनेंसर। फाइनेंसर कौन होता है? आपने सुना होगा कि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपके पास पैसा नहीं तो कोई तो फाइनेंस करेगा, तो उसी को हम फाइनेंसर कहते हैं। जैसे बैंक क्या है, एक तरह का फाइनेंसियर है, तो आपको पैसा फाइनेंस कर देता है, आप गाड़ी खरीद लेते हो, एक तरह का लोन प्रोवाइडर जो आपको आपको व्हीकल खरीद के देता है एक तरह से। तो आपने देखा होगा कि आरसी बुक में आपके फाइनेंसर का नाम भी लिखा गया होता है, अगर आपने
कोई व्हीकल फाइनेंस करा रखी है, तो आप अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिएगा, आपके आरसी बुक में उसका नाम लिखा रहेगा बैंक का जो फाइनेंस करेगा। तो ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल बैंक ही फाइनेंस करेगा, ऐसा कोई इंडिविजुअल आदमी भी फाइनेंस कर सकता है, आपके और उसके बीच में उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल आदमी है, कोई भी फाइनेंस कर सकता है, बट बेसिकली हमारा जो डेली रूटीन है उसमें बैंक ही फाइनेंस करता है, तो हम बेसिकली बैंक को ही जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल कोई भी फाइनेंस कर सकता है। अगर कहीं पे फॉर्म आ गया, फॉर्म मीन्स मतलब ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं उसमें जो यूज होने वाला फॉर्म है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे सेक्शन का बात किया गया है तो मतलब वो एक्ट के सेक्शन की बात की गई है, कहीं पे रूल्स की बात की गई है मतलब हमारे जो रूल्स हम जो रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं उसकी बात की गई है वहाँ पे। ट्रेड सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब जो हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो आपको कोई सर्टिफिकेट इशू करती है फॉर द ट्रेड पर्पज, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट। आगे इसको आप पढ़ोगे, ये रूल 35 के हिसाब से इशू होता है, जो रूल बताता है ग्रांट और रिन्यू ऑफ द ट्रेड सर्टिफिकेट। इससे पहले आपने एक्ट में पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन के बारे में, परमिट के बारे में, रजिस्ट्रेशन मार्क्स के बारे में, तो उसी तरीके से ट्रेड सर्टिफिकेट भी इशू करती है। कौन इशू करता है? हमारी अथॉरिटीज इशू करती हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये सेक्शन आएगा। तो नेक्स्ट जो आपका एच, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सिंपली यहाँ पे मेंशनड है जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी होती हैं, एक्सेप्ट देन दैट सारी व्हीकल किस में कंसीडर की जाएंगी, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कंसीडर की जाएंगी। यहाँ पे जो हमारी व्हीकल है उसके कैटेगरी डिफाइंड है, जैसे आपने एक्ट में देखा था कैटेगरी डिफाइंड थी वहाँ पे कि हमारी LMB है, हैवी मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, इस टाइप से कैटेगरी ओमनी बस है, मोटर कैब, इस टाइप से जो डिफिनेशन डिफाइन किया गया था उसी तरीके से यहाँ पे कुछ व्हीकल की कैटेगरी डिफाइन की गई है। अब ये पॉसिबल है कि कुछ व्हीकल ऐसी हो सकती हैं जिनका वहाँ पे कुछ प्रॉपर नाम हो और यहाँ पे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, तो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनती है। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जिस दैट इज L1 मीन्स मोटर व्हीकल डिफाइन द सेक्शन 27 सेक्शन की बात कर रहे हैं, सब सेक्शन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की, जहाँ पे टू व्हीलर की बात की गई है। जब आप सेक्शन देखोगे 27 तो ये टू व्हीलर की बात की गई है, आप द सेक्शन 2 के सब सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं जहाँ पे टू व्हीलर की बात की गई है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में। तो वहां पे कहा गया है कि कोई ऐसी व्हीकल जिसकी स्पीड क्या हो 45 किमी पर आवर से ज्यादा नहीं हो, जिसकी इंजन की कैपेसिटी 50 cc से ज्यादा नहीं हो, 50 cc से ज्यादा नहीं हो, वो थर्मिक पावर्ड हो, तो उसे हम किस में रखेंगे, कैटेगरी L1 में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे, L1 में रखेंगे। आपने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड भी पढ़ा हुआ है कि जो नॉन गियर व्हीकल होती हैं जिनकी कैपेसिटी इंजन कैपेसिटी 50 cc से कम होती है उसके लिए सेपरेट ड्राइविंग लाइसेंस की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी यहाँ पे कि अलग कैटेगरी में कोई वहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिया गया होगा, यहाँ पे कैटेगरी दी गई, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एक कैटेगरी है मतलब एक रेंज है कि इस रेंज की व्हीकल इस कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। तो 50 cc का है मतलब 40 cc वाले भी इसी में आएंगी, 30 cc वाले भी इसी में आएंगी, जिनकी स्पीड 20 किमी पर आवर है वो भी इसी में आएंगी, जिनकी स्पीड 30 किमी पर आवर है वो भी इसी में आएंगी। तो दिस इज द रेंज ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक व्हीकल की बात नहीं किए हैं, ये एक रेंज ऑफ व्हीकल की बात किए हैं कि इस कैटेगरी के रेंज की व्हीकल इस कैटेगरी में बेसिकली आएंगी अगर उनका ये स्पेसिफिकेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका है कैटेगरी L2 मतलब मोटर व्हीकल अदर देन द कैटेगरी L1, तो L1 में वो सारी व्हीकल मतलब जो एक्सीड करती हैं स्पीड को, मतलब 45 की स्पीड को जो एक्सीड करती हैं और जिनकी इंजन की कैपेसिटी 50 cc से ज्यादा होती है, वो सारी व्हीकल किस कैटेगरी में आ जाती हैं, L2 में आ जाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है M। M मीन्स द मोटर व्हीकल विथ लिस्ट 4 व्हील यूज फॉर द कैरीज ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर को कैरी करती है, पैसेंजर को कैरी करती है मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे पैसेंजर की बात कर रहे हैं, मतलब आदमियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैसेंजर कैरी करती है उसको हम M में रखते हैं। देखो M1 में ये कहा है कि कैरीज पैसेंजर एंड देयर लगेज,
अगर कोई ऐसी व्हीकल है जहाँ पे ये अरेंजमेंट है कि पैसेंजर आदमी भी ट्रेवल कर सकते हैं और उनकी लगेज भी ट्रेवल कर सकती है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? M1 कैटेगरी में आएंगे। अगर आप एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करो तो यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स हैं नियर अबाउट जो आप देख रहे हो अपने पर्टिकुलर डे बाई डे लाइफ में, वो सारी M1 की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप खुद भी ट्रेवल कर सकते हो और आपका लगेज भी वहाँ पे आप लेके जाते हो। अब ये जो व्हीकल है ये किसी स्पेसिफिक यूज के लिए आती हैं, जैसे कि मान लो आप कहीं किसी विजिटिंग प्लेस पे गए हो और वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली लेके घूमने के लिए स्पेशल व्हीकल डिजाइन की गई होती है जिसमें आप लगेज लेके नहीं जा सकते, केवल खुद बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, तो उस टाइप के व्हीकल की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी M2, मीन द मोटर व्हीकल। सारी ये मोटर व्हीकल है, इवन दो मोटर व्हीकल को भी डिफाइंड किया गया, तो मोटर व्हीकल भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। हम किसको मोटर व्हीकल कहेंगे ये हमारे एक्ट में डिफाइन किया गया, एक्ट 1988 में डिफाइन किया गया कि आप किसको मोटर व्हीकल कहोगे। तो यहाँ पे सब में मेंशन्ड है मोटर व्हीकल, ठीक है। अभी आगे एक केस भी हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली यूज फॉर द कैरिज ऑफ द पैसेंजर एंड कंप्राइज मोर देन 8 सीट, जहाँ पे एक 8 सीट से ज्यादा हो पैसेंजर को कैरी करते हो और जिसका ग्रॉस वेट एक्सीड नहीं करता हो 5 टन्स, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? M2 के कैटेगरी में। तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी मैं बता रहा हूँ आपको, सारी कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। अगर समझ में नहीं आई तो एक दो बार पढ़ लो, क्योंकि इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी दिया है और प्रोबेबिलिटी भी है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में इस कैटेगरी के बेसिस पे। पर्टिकुलरली कोई डाटा दिया रहेगा, पूछ लेगा कि आप ये व्हीकल बताओ कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो M2 कैटेगरी है ये क्या करते हैं? पैसेंजर कैरी करते हैं, इस पे जो सीट होती है वो मोर देन 8 सीट होगी। ड्राइवर को सीट को एक्सक्लूड करके, मतलब ड्राइवर को सीट को छोड़ के, और इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट होगा वो 5 टन। नेक्स्ट जो कैटेगरी M3 है, यहाँ पे देखो आप वंस अगेन, यहाँ पे हमने कैटेगरी M पढ़ा तो यहाँ पे पैसेंजर की बात हुई, M1 पढ़ा तो यहाँ पे पैसेंजर और उसके लगेज की बात हुई, M2 पढ़ा तो पैसेंजर की बात हुई और ग्रॉस व्हीकल वेट की बात हुई। यहाँ पे M3 में भी वो बात कर रहे हैं पैसेंजर की, उनके लगेज की और सीटिंग कैपेसिटी की। तो सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? कंप्राइजिंग मोर देन 8 सीट एडिशनल टू ड्राइवर, ड्राइवर सीट को छोड़ के, हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीडिंग 5 टन, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 5 टन से ज्यादा है, और यहाँ पे दिया था नॉट एक्सीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीड कर सकते हैं, अगर किसी की कैपेसिटी 5 टन से ज्यादा है तो उसको किस में रखेंगे? M3 में रखेंगे, ठीक है। और वो पैसेंजर को भी कैरी करता है, उसके लगेज को भी कैरी करता है, और उसमें सीटिंग की जो कैपेसिटी है मोर देन 8 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैटेगरी N, मतलब मोटर व्हीकल एटलीस्ट 4 व्हील, 4 व्हील होनी चाहिए, मतलब 3 व्हील वाले को इसमें नहीं कहेंगे, N में नहीं रखेंगे। यूज फॉर कैरीज गुड्स, केवल गुड्स के यूज के लिए, केवल गुड्स कैरी करने के लिए होता है, मतलब पैसेंजर उसमें कैरी नहीं कर सकते आप। सेकेंड जो कैटेगरी है आपकी N1, मीन्स द मोटर व्हीकल यूज टू कैरीज गुड्स हैविंग मैक्सिमम मास नॉट एक्सीड देन 3.5 न्यूटन। अगर उसका 3.5 न्यूटन से मास कम है तो उसको N1 में रखेंगे, N1 में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है कैटेगरी N2, मीन्स द मोटर व्हीकल दैट यूज द कैरीज गुड्स एंड हैविंग मैक्सिमम मास एक्सीडिंग 3.5 टन एंड नॉट एक्सीडिंग 12 टन। तो यहाँ पे जो N सीरीज वाली है यहाँ पे केवल गुड्स कैरेज की बात हो रही, तो आपको ध्यान रखना है कि M सीरीज में गुड्स कैरेज की बात हो रही, केवल सामान कैरी करने की। यहाँ पे आपको वेट ध्यान रखना है कि जो N2 सीरीज की व्हीकल्स होंगी उनमें जो गुड्स कैरी करने की कैपेसिटी दी गई दैट इज 3.5 टन टू 12 टन। N3 सीरीज की जो व्हीकल्स होंगी, जो N3 सीरीज में व्हीकल आएंगी, कब उनको हम N3 सीरीज में कंसीडर करेंगे? द मोटर व्हीकल कैरीज गुड्स हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीडिंग 12 टन्स, मतलब जो बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते होंगे? दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ N3, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब आदमी को ले जाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो सामान ढोने के लिए बनाए गए हैं, गुड्स कैरिज के लिए बनाए गए हैं। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? जिनकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द जो ट्रक्स होते हैं उनकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा ही होती है, तो वो N3 के कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है स्मार्ट कार्ड, आपको पता है जो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, RC बुक होती है, वो भी स्मार्ट कार्ड में बन के आती है। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी स्मार्ट कार्ड में बन के आता है। पहले कैसे आता था? पेपर के थ्रू आता था।
इसको कब नोटिफाई किया गया, जैसे मैं आपको बोला कि जनरल स्टेट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू यह जनरल स्टेट्यूटरी रूल ऐड किया गया 107E, और उसमें यह ऑर्डर दिया गया, यह कब ऐड किया गया, नोटिफाई किया गया 30/10/2018 में कि जितने भी कार या व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन इश्यू किए जाएंगे वहां पे स्मार्ट कार्ड का यूज होगा। तो क्या ये कंपलसरी है स्मार्ट कार्ड यूज करना? नहीं, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सेपरेट फॉर्म डिजाइन किया गया है वहां पे, दैट इज फॉर्म 17 फॉर द फॉर्म 7 फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस एंड फॉर्म 23A, गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 23A यूज होता है फॉर द आरसी बुक। तो अगर ये दोनों फॉर्म भरते हो आप तो आपको स्मार्ट कार्ड बन के मिलेगा, ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी फी भी आपसे ली जाएगी। अगर नहीं भरते हो तो आपको पेपर वाला मिलेगा। तो दिस इज द ऑप्शनल, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो एक तरह का बहुत सारी चीजें आपको एक जगह डिजिटलाइज कर जाती है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि कैपेबल हो डाटा स्टोर करने में और कमांड को एग्जीक्यूट करता हो। कमांड एग्जीक्यूट मतलब केवल डाटा स्टोर ना करे, जब हम उसको मशीन में लगाएं तो जो डाटा वहां पे स्टोर है अगर हम कोई कमांड देते हैं तो उसको डिस्प्ले भी करे, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले करने से मना कर दे। तो ये सारी फैसिलिटीज होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज करते हैं। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इसकी जो साइज है, साइज इज 85.6 mm, और ये जो उसकी विड्थ है दैट इज 54.2 mm, उसकी जो थिकनेस है वो 2 mm। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम थिकनेस का कंस्ट्रेंट दिया गया है, मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए 0.5, इससे कम नहीं हो सकती, इससे और इसके बीच में यूज कर सकते हैं आप कार्ड को। डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो कैसा कार्ड इशू करना चाहती है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। तो डिपेंड करता है कि उनके यहाँ कौन सा कंफर्टेबल है, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा यूज करते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द कंपनीज, ठीक है। तो उस टाइप से वो इशू कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनका बेसिकली एक स्टैंडर्ड है कि इस साइज का डाटा होना चाहिए। उस पर बहुत सारी चीजें मार्क हैं, पूरी आपकी एक नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ये आपको मिल जाएगी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जहां पे डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से डाटा वहां पे किस फंक्शन किस साइज में किस शेप में किस वर्डिंग में वहां पे यूज किए जाएंगे। जैसे कि आपने हाई सिक्योरिटी प्लेट के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से डाटा यहां पे भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किसको इश्यू की जाएगी? इंडियन सिटीजन को इश्यू की जाएगी। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एनआरआई को दी जाएगी या एनआरआई इंडियन सिटीजन को, बहुत कम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। आप खुद भी सोच के देखो, एनआरआई का रेजिस्टेंस नहीं होता इंडिया में, तो जब उसके पास रेजिडेंसी नहीं है, उसके पास कोई रेजिडेंस का प्रूफ ही नहीं है, तो उसको कैसे इंडिया कोई सर्टिफिकेट दे सकता है? क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका इंडिया में रेजिडेंस होना जरूरी है। तो और इंडिया, आपको ये भी पता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप पे काम नहीं होता इंडिया में। अगर आपने कहीं की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाती है, या गवर्नमेंट ने टर्मिनेट नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि आपने जैसे ही कहीं की सिटीजनशिप लिया है आपकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्षय कुमार के सिटीजनशिप पे बहुत बवाल हुआ था अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरीके से होता है। ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती है तो किसी भी एनआरआई को इस टाइप का कोई लाइसेंस इशू नहीं होता है, इंडियन सिटीजन को होता है। अब ये क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लो। सपोज करो कि आप कुछ दिनों के लिए किसी फॉरेन कंट्री में गए, ऑब्वियसली वहां पे एक कन्वेंशन है, जिन कंट्री ने उन कन्वेंशन को साइन किया है केवल ये उन्हीं कंट्री में वैलिड है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री ने उस कन्वेंशन को साइन किया। आपको पता है कोई भी इंटरनेशनल लॉ बनता है तो उसको जो जो सिग्नेटरीज होता है, जो जो कंट्री उसकी सिग्नेटरीज होती है, वो लॉ केवल वहीं पे वैलिड होता है। तो इस तरीके के लॉ के सिग्नेटरीज हैं नियर अबाउट सारी कंट्री। तो जो भी सिग्नेटरीज हैं और जहां पे इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन होल्ड करता है, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पे इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन होल्ड नहीं करता, उसके लिए अलग पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि इंडिया उनको एज ए कंट्री एडमायर नहीं करता, इंडिया नहीं मानता कि आप कंट्री हो, उसका अलग रीजन है कि क्यों नहीं मानते, वो अलग डिबेट है। तो जहां पे भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया के, उन सारे कंट्रीज में अगर वो सिग्नेटरीज है तो इस कन्वेंशन के, वहां पे अगर आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस तो इंडिया में आप अप्लाई करो, मिल जाएगा। यहाँ से जो लाइसेंस मिलेगा आप जाके वहां पे व्हीकल चला सकते हो, बट डेफिनेटली उसके लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म 16A, आप जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो क्या क्या डिटेल वो मांगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो। तो ये फॉर्म भर के आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल।
बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी व्हीकल जो बैटरी से ऑपरेट हो। तो बैटरी से ऑपरेट कैसे होगी, उसके लिए भी मोटर लगाना पड़ेगा आपको। तो मोटर को कौन ऑपरेट करेगा, बैटरी पावर्ड करेगी मोटर को, और मोटर क्या करेगा, आपके व्हीकल को पावर्ड करेगा जिससे आपकी व्हीकल चलेगी। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे मेंशनड है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ फॉलोइंग कंडीशन आर वेरीफाइड एंड ऑथराइज्ड बाय एनी टेस्टिंग एजेंसी स्पेसिफाइड रूल इतना द बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल शैल नॉट बी ड्रीम्ड टू बी द मोटर व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि अगर ये सारी कंडीशंस होल्ड करती हैं, अगर कोई टेस्टिंग एजेंसी बता देती है कि ये सारी कंडीशंस हैं, तो उसको हम मोटर व्हीकल एज्यूम नहीं करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी, अगर किसी व्हीकल को आप मोटर व्हीकल ही एज्यूम नहीं कर रहे हो तो उसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उस व्हीकल को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। अगर आप कहीं पे एक्सीडेंट करता है तो उसका कंपनसेशन जो विक्टिम है वो कौन देगा, उसकी भी प्रॉब्लम है, और इनको एक तरह से फ्री शूट मिली हुई है। अब इस पे एक केस हुआ शाहनवाज खान वर्सेज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो वहां पे कोर्ट ने पूछा, दिल्ली गवर्नमेंट से कोर्ट ने पूछा कि आप बताओ यहाँ पे जो ई रिक्शा चल रहे हैं, बहुत बार क्या हुआ है इसका मिसयूज करके, यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है कि जो बैटरी पावर्ड होनी चाहिए वो अगर इससे कम है तो जो स्पीड है वो इससे कम है। देखो ये स्पीड वाली क्राइटेरिया तो मैक्सिमम ई रिक्शा वाले फुलफिल कर लेते हैं कि उनकी स्पीड क्या हो 25 की भी पर आवर से कम है। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी व्हीकल है जो पैडल असिस्ट है, जिसमें पैडल बनाते हैं, पैडल मारते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा ना जुगाड़ गाड़ी जिनको कहते हैं कि पैडल असिस्टेंट है, उसमें एक्जिलरी बैटरी, अलग से बैटरी हमने फिट कर दिया, अलग से मोटर फिट कर दिया, और क्या बन गया वो ई रिक्शा बन गया। और वहां पे भी ये चीजें मेंशन है कि वहां पे उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, उसमें जो बैटरी लगी हुई है उसका जो पावर कैपेसिटी है वो 0.05 किलोवाट होनी चाहिए। और ये चीज और मेंशन है यहाँ पे कि उसकी जो पावर करने की कैपेसिटी है वो हाफ एन आवर का होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे मेंशन होगा 30 मिनट पावर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हैं या इससे कम हैं तो हम उसको मोटर व्हीकल नहीं कहेंगे। तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे रिक्शा वाले, मतलब इसका इस रूल का मिसयूज होने लगा, बहुत सारे ई रिक्शा ऐसे चलने लगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको इस रूल ने छूट दे दिया कि आप मोटर व्हीकल कैटेगरी में आते ही नहीं हो। तो उन्होंने दिखा दिया कि हमारी स्पीड क्या है, कम है, हम जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो 30 मिनट से कम तक पावर करती है, हमारी बैटरी कैपेसिटी इतना है, और वो घूम रहे हैं। किसी ने कोर्ट में केस किया कि ये जो ई रिक्शा, देखिए पहले तो इनका इंश्योरेंस नहीं है, अगर ये रजिस्टर नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं है तो एक्सीडेंट के केस में वियर कौन करेगा, कंपनसेशन कौन वियर करेगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये मोटर व्हीकल इनको मानते ही नहीं, तो जो भी गवर्नमेंट ने सेफ्टी फीचर के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं कि ये चीजें सेफ्टी फीचर का कंपलसरी होनी चाहिए मोटर व्हीकल में, ये रिक्शा ई रिक्शा वाले उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि मोटर व्हीकल ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन इज दैट। तो कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा कि आप बताओ कि क्या हमारा रूल परमिट करता है। तो टेस्टिंग हुई तो बहुत सारे ई रिक्शा वालों को मिला गया कि नहीं भाई ये बैटरी भी उनकी ज्यादा है, स्पीड लिमिट भी गलत है, वो ज्यादा है, ये भी पावर करते हैं, और जिनका कम भी है, जिनकी स्पीड मान लीजिए कम है, तो वो सारे कंडीशन को साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहा गया कि ये लॉ को तो ब्रेक कर रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ई रिक्शा को एग्जम किया गया है और उनको मोटर व्हीकल हम नहीं मानते हैं, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट और हमारा जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनको हम एग्जम किए हुए हैं। तो देखिए वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज वाली चीजें आ जाती हैं कि गवर्नमेंट अगर मान लीजिए ई रिक्शा वालों को कहती है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ तो वहां पे उनको रूट टैक्स बढ़ जाएगा, एक तरह से एडिशनल बर्डन होगा, तो वो लोग उस पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, उस सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा। बट कोर्ट को तो ये देखना नहीं है कि उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने टेस्टिंग भी करवाया, तो देखे कि बहुत सारे जो ई रिक्शा वाले हैं वो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं करते हैं, कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, कोई दो करता है, कोई एक भी नहीं करता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये सारे चीजें क्या है, एक तरह से इनलीगल है, आप ऐसे व्हीकल को रोड पे नहीं चला सकते हो जिसके पास सेफ्टी फीचर्स नहीं हो, जिनका इंश्योरेंस नहीं हो। तो ये कोर्ट का बेसिकली ऑर्डर था पर्टिकुलर उस केस में। तो इस तरीके से चीजें को मिसयूज भी किया जाता है, उस ऑर्डर के बाद बहुत सारी चीजें एडिशनली ऐड की गई। तो जो भी एडिशनल चीजें यहाँ पे ऐड की गई हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो चीजें मेंशन नहीं है। ये तो बस स्टोरी थी एक, मैंने आपको सुना दिया कि कुछ चीजें होती हैं जिनका लोग मिसयूज करते हैं, फिर वो मैटर कोर्ट में जाता है। और भी बहुत सारे कोर्ट के हमने ऑर्डर पढ़े हैं इस टाइप के, जिनका मिसयूज किया गया, बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो बहुत बार रूल को हम ब्रेक करते हैं, बहुत बार कंपनी वाले ब्रेक करते हैं। नेवरतलेस आगे बढ़ते हैं पावर ट्रेलर।
आपने इससे पहले सेमी ट्रेलर का नाम सुना होगा, ट्रेलर का नाम सुना होगा, यहाँ पे एक नया नाम आ गया पावर ट्रेलर। तो ये पावर ट्रेलर वो ट्रेलर होते हैं जो स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं एग्रीकल्चर मशीनरीज के लिए, जो सॉइल प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आपने देखे होंगे ट्रैक्टर में लगा के हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, तो उन्हें बेसिकली हम क्या कहते हैं, पावर ट्रेलर कहते हैं। यहाँ पे उनके एक सीड उनकी लिमिट भी मेंशन की गई है कि जो पावर ट्रेलर हैं उनकी स्पीड इतने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए उस ट्रेलर की। और यहाँ पे उनका वजन भी मेंशन किया गया है कि उनका वजन जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस वजन को 1.5 टन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो पर्टिकुलरली आज के वीडियो पर बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो अगर आप पहले की चीजें भूल गए हो, और क्वेश्चन नंबर 5 को तो मैं अभी बता दिया आपको, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप इजीली कर पाओगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप शेयर भी करते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।